हाकन कहू रे कुरान शान नट होकर 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं और इस भैया ने दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। इस भैया ने काफी नाम पहले और अभी भी हमारा 1000 रुपए से मान सम्मान किया, तहे दिल से धन्यवाद। क्या कहा नटनी बूंदीगढ़? हाँ शेर खान के। हाँ महाराज, गया था मैं बूंदीगढ़, मैं बूंदीगढ़ गया था, लेकिन वहाँ मेरा इस नटनी से क्या काम,
मेरे ठहरने का इंतजाम तो शाही महलों में किरणमयी के पास था। अच्छा हाँ, कहिए शेर खान, तेरी सच और झूठ का तुझे पता? सुन ले मेरी बात। काम मेरा किरणमयी न करा महल में ठहरण का इंतजाम मेरा, बेईमान नटड़ी झूठा चोरी काल नाम मेरा, बेईमान नटड़ी झूठा चोरी काल नाम मेरा, नटरी की जरूर कोई चाल है और ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, और इतिहास इतिहास इस बात का गवाह है कि इन औरतों ने मर्दों को फंसाने के सिवा किया ही क्या है। क्या कहा शेर खान? हाँ, इन औरतों ने, हाँ, इन औरतों ने मर्दों को फंसाने का काम किया। बिल्कुल। अरे मूर्ख, मेरे को एक बात बता। पूछ। जब तूने मेरी शान शकल नहीं देखी तो मेरे को ये बता, मेरी बाई जांघ के तिल का निशान कहां से देख लिया? मैं कुछ समझा नहीं, कह दे अपनी बात। कही अपनी। जहान इसकी ख्वाबों में भी कसम खुदा की, मैं ना देखी शान इसकी, बादशाह सलामत पूती वहम मैं फिलहाल इसकी, बादशाह तू काट
बढ़ता जुबान के क्या देखी कोना आहा देखी कोना और देखी को न सकल मेरी फिर दिल का कसे निशान दे क्या देखी को न सकल मेरी फिर दिल का कसे निशान दे क्या होया किरण मई सरे सारा सच राजा अकबर के सामने आ जाता है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। नटनी कहने लग जाती है कि जब तूने मेरी शान शकल तक नहीं देखी तो भाई जान पे तिल का निशान कैसे देख लिया। और हाँ, मैं उसी पृथ्वी सिंह की पत्नी किरणमयी हूँ जिसके पास तू कुछ रोज रुका बता रहा था। सजनों, कैसे राजा अकबर क्या फैसला सुनाते हैं। फरन पे पया गया सच्चाई की जीत जग में धोखेबाज धोखा खा गया किरणमयी का सुन का नाम फिर सभा में सन्नाटा छा गया पार ना बदमाशी होगी पृथ्वी सिंह।